तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे सामने एक बुद्ध जी की स्टैचू है जिनकी हाइट लगभग 40 मीटर है। बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री से बाहर की नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत। तो देखिए एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, होटल मैनवला से बाहर की नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत। Hey guys, this is Solis Lappi and you all are watching my first vlog. In this vlog, I will explore Buddhist monastery and Buddhist park of Ravangla. So let's start our vlog. Hey guys, इस वक्त मैं हूँ होटल मैनवला की बाहर और आप देख सकते हो होटल मैनवला की बाहर की व्यूज़। तो हम आपको दिखाएंगे अंदर का व्यूज़, तो चलिए अंदर जाते हैं। और अब हम दरवाजे से एंटर करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे अंदर का व्यूज़। तो आप लोग देख सकते हो अंदर कितना वेल डेकोरेटेड है और कितना खूबसूरत है। और आप लोग देख सकते हो मेरे सामने एक गणेश का मूर्ति है और जो लाइटिंग है वो बहुत ही खूबसूरत है। ये रूम देखिए जो होटल मैनवला की डाइनिंग रूम, जिधर हमारी प्रोफेसर और कुछ स्टूडेंट बैठकर मीटिंग कर रहे हैं शायद। अब हम आपको दिखाएंगे हमारा रूम। हमारा जो रूम नंबर है वो 308 है, जो 3 फ्लोर में है। तो चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं 308 नंबर रूम और रूम के जो अंदर का व्यूज देखिए कितना मस्त है। और ए राजीव भाई जो सिंगल बेड पर अकेला ही सो रहे हैं। ए बाथरूम का कुछ अंदर का व्यूज। ये हम लोगों का बेड, इस बेड में हम तीनों लोग सोएंगे। और देख सकते हो एक एलईडी भी है और ये अलमारी है। अब रात हो चुकी है, मिलते हैं सुबह में। तो दोस्तों अब सुबह हो चुकी है और आप लोग देख सकते हो होटल मैनवला से बाहर का व्यूज कितना खूबसूरत और प्यारी लग रहा है। स्पेशली दूर के जो पार है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हम आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये नज़ारा देखिए, होटल से लगभग 30 मीटर दूर इस नज़ारा को देखने मिलेगा। और देखिए दूर का जो पार है पूरा वेजिटेशन कवर है। और चलते हैं अगले व्यूज़ के लिए। अब टाइम हो चुकी है 4:30 और हम निकल पड़े हैं होटल मैनवला से बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री एक्सप्लोर करने में। तो दोस्तों होटल मैनवला से बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री जाने का दो रास्ता है, एक जाता है प्लेन रूट से और एक जाता है श्री के ऊपर से। तो हम लोग जाएंगे श्री के ऊपर से, जिधर टाइम लगेगा लगभग 10 मिनट और प्लेन रूट से जाने में टाइम लगेगा लगभग 25 मिनट्स। गाइस अब आप देख सकते हैं 10 मिनट हो गए हैं कंप्लीट और हम लोग ऊपर आ गए हैं। और ये सामने बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्री का गेट है हमारे सामने। और ये देखिए साइड का व्यू है इसका, वे नेचर कैसा है आसपास का, इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है यहाँ। सो गाइस अब हम लोग यहाँ से कोशिश करेंगे कि अंदर चले मॉन्स्ट्री के और आपको व्यूज़ दिखाएंगे कि अंदर कैसा व्यूज़ है, कितना खूबसूरत व्यूज़ अंदर का। सो ये सामने जो रेड है ये मॉन्स्ट्री है यहाँ की। और ये आप मौसम का व्यूज़ देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, कितना सुहाना मौसम हो रहा है इस वक्त यहाँ पे। और ये साइड में जो है ये यहाँ पे ग्राउंड है। और ये देखिए यहाँ सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये जो सीढ़ियाँ हैं ये अंदर मेन बिल्डिंग में चली जाएंगी यहाँ से। और ये देखिए नेपाली लैंग्वेज में कुछ लिखा है। और नीचे देखिए कुछ मूर्ति कांच के ग्लास में रखा हुआ है। और इस नज़ारा को देखिए बहुत ही खूबसूरत। इस साइड में भी सेम तरीके का कुछ मूर्ति जो कांच के ग्लास में रखा हुआ है। और अब हम जाएंगे ऊपर साइड में और ऊपर साइड से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे बाहर के व्यूज जो दिखने में कैसा है। तो दोस्तों मेरे सामने जो घूमने का एक चीज़ दिख रहे हो ना, इसका नाम है बुद्धिस्ट चक्रो। अगर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो आपके जो पाप है सब धुल जाएगा, ये बुद्धिस्ट लोगों का मानना है।
अब हम चले आए ऊपर साइड की तरफ और आप लोग देख सकते हो आसमान की व्यू कितना खूबसूरत और सुहाना लग रहे है देखने में। और आप देख रहे हो मेन बिल्डिंग जो ऊपर साइड से कितना खूबसूरत लग रहे हैं। अब मैं हूँ पिक पॉइंट ऑफ द मॉनेस्ट्री की ग्राउंड में और आप लोग देख सकते हो बाहर की नज़ारा कितना खूबसूरत। वाओ क्या नज़ारा है भाई, बहुत ही सुहाना नज़ारा। इस साइड से मॉनेस्ट्री के व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों अब हम जाएंगे बुद्धिस्ट पार्क में जो राबांगला की सबसे टूरिस्ट अट्रैक्टिव एरिया है। इस वक्त मैं हूँ अनुरोध जवन सर के सामने और उनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कॉसिप करते हुए हम लोग बुद्धिस्ट पार्क की तरफ जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे जो बंदा है उसके नाम ऑसिम है, जो मेरा अच्छी दोस्त है और बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है। और उनके साथ हमारा जो फास्ट मुलाकात हुई थी आलिया का एंट्रेंस देने के टाइम में। तो दोस्तों अब हम फाइनली पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन में और मेरे जो पीछे वाला व्यू देख रहे हो ना, ये बुद्धिस्ट पार्क का व्यूज है। और जो गोल्डन कलर का स्टैचू देख रहे हैं ना, वही है स्टैचू ऑफ बुद्धा। तो दोस्तों बुद्धिस्ट लोगों के बारे में एक बात बोलना ही पड़ेगा, वो लोग कलाओं में माहिर होते हैं, आप लोग देख सकते हो उनकी कलाएँ। तो दोस्तों अब हम एंटर करेंगे अंदर के साइड। तो अंदर जाने के लिए हम लोगों को टिकट कटना पड़ेगा जो पर स्टूडेंट के लिए 20 रुपीज़ और जनरल पीपल के लिए 160 रुपीज़ होगा। अगर आप स्टूडेंट हो लेकिन आपके पास कोई आई कार्ड नहीं है तो आपको 160 रुपया भरना पड़ेगा। अब हम लोग अंदर एंटर कर चुके हैं। मेरा बाएं तरफ आप लोग देख सकते हो बहुत सारी शॉप है जिधर खाने का चीज़ और छोटे छोटे सामान वगैरह मिल जाता है, उतना ज़्यादा सामान नहीं मिलता है। और मेरे सामने भी बहुत सारी दुकान है जिधर ज़रूरतमंद सामान मिल जाएगा आप लोगों को। और ये देख सकते हो मेरे सामने एक मैप है और ये आप लोग देख सकते हो बुद्धिस्ट पार्क की मैप जिधर बुद्धिस्ट पार्क के बारे में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के तरह से हम सिक्किम के राबांगला साइड में आए हैं। यहाँ पे जो बुद्ध पार्क है देख रहे हैं कितना नेचुरली व्यू एंड नीट एंड क्लीन, ये देख रहे हैं कितना सुंदर कर रहे हैं सब हमारा जो ये जो हम घूम रहे हैं यहाँ पे बुद्ध पार्क। तो हमारा जो साथी है उसका कोई कुछ एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पे आके, तो वो थोड़ा आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो इधर का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही क्लीन है और पीसफुल है। और इस एरिया के बारे में एक बात बोलना चाहूँगा, इट्स नॉट ओनली स्पिरिचुअल प्लेस, इट्स आल्सो टूरिस्ट प्लेस। और इस एरिया में टूरिस्ट और स्पिरिचुअल मैटर मिक्स होके अलग ही इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है जो महसूस करने में बहुत ही अच्छी लग रही है और सुकून देता है। अगर इस बुद्धिस्ट पार्क का हिस्टोरी बताऊँ तो इसका जो काम वो स्टार्ट हुआ था 2006 में और काम ख़त्म हुआ था 2013 में, तो बीच में 7 साल लगा है इस बुद्धिस्ट पार्क को क्रिएट करने में। इस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री की जो हाइट है लगभग 40 मीटर है। अब हम जाएंगे बुद्धिस्ट स्टैचू के पास, तो उसके पास जाने के लिए हमें सीढ़ी से उतर के जाना पड़ेगा, फिर सामने एक ग्राउंड आएगा उसके बाद फिर सीढ़ी आएगा। तो चलते हैं सीढ़ी से। अब मैं हूँ ग्राउंड में, आप लोग देख सकते हो बुद्धिस्ट पार्क का ग्राउंड से ऑल अराउंड व्यूज कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। सिक्किम का लोग पौधे बहुत लगाते हैं, इस एरिया में आके हमने बहुत डिफरेंट टाइप का पौधे देखा है जो मुझे पता नहीं उसका नाम क्या है। और मेरे सामने भी देख सकते हो कितना वेल डेकोरेटेड और वेल मेंटेड पेड़ लगा हुआ है। और ये देखिए ये कौन सी चीज़ मुझे पता नहीं, शायद एक वाटर पार्क होगा। इस बुद्धिस्ट पार्क को एक्सप्लोर करने में हम लोग टोटल आए 48 परसेंट, जिनमें से 4 टीचर और 4 स्कॉलर।
वो दूर में देखिए हमारा फ्रेंड लोग फ़ोटो खींच रहा है, ग्रुप फ़ोटो खींच रहा है शायद, हाँ ग्रुप फ़ोटो ही खींच रहा है। अब हम जाएंगे सीढ़ी से ऊपर, तो चलिए। अगर सिक्किम का लोगों के बारे में बताऊँ तो एक बात बोलना ही पड़ेगा, ये लोग बहुत ही फ्रेंडली होता है और सिक्किम का लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू अदर स्टेट। हम पहुंच गए जो बुद्धा है उसका स्टैचू है, ये देख रहा है ये जो खूबसूरत नज़ारा देख रहा है, ये जो पूरा क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है ना, थोड़े देर बाद शायद बारिश आएगा, तो यहाँ पे जो बुद्धा का स्टैचू है वो हमारा साथी ओलिद सलाफी कुछ कहेंगे। ओलिद सलाफी तुम्हारा एक्सपीरियंस थोड़ा बताओ हमारा ऑडियंस के लिए। तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट टाइम कोई बुद्धिस्ट पार्क आके बुद्धिस्ट स्टैचू देखना, बुद्धिस्ट स्टैचू का जो ऑल ओवर व्यूज है ना वो बहुत ही शानदार है और इधर का जो इन्वायरमेंट है ना वो भी बहुत ही पीसफुल है। अब मैं हूँ बुद्धिस्ट स्टैचू के सबसे क्लोज और क्लोज से बुद्धिस्ट स्टैचू के व्यूज़ देखिए कितना खूबसूरत, और आसपास का व्यूज़ देखिए, और स्पेशली जो दूर के विलेज है ना वो पहाड़ के ऊपर बना हुआ है और देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। तो अब हम जाएंगे बुद्ध जी के राइट आउट साइड में, और राइट आउट साइड से हम आपको दिखाएंगे बुद्ध जी के राइट आउट साइड का व्यू। तो आप लोग देख सकते हो राइट आउट साइड का यह कुछ नज़ारा। तो दोस्तों अब मैं हूँ बैक आउट साइड ऑफ द बुद्धिस्ट स्टैचू, और इस साइड में आप लोग देख सकते हो बहुत सारे चक्र है जो गोल्डन कलर की है, और रात में इनका जो रोशनी है वो बहुत ही चमक रही है, और इधर लगभग 200 से ऊपर बुद्धिस्ट चक्र है, कितना खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख सकते हो। बैक आउट साइड से बुद्धिस्ट स्टैचू को देखिए, देखने में वाकई में कमाल का है, कितना खूबसूरत और अच्छी लग रही है। तो दोस्तों अब रात हो चुकी है और रात का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत और बेहतरीन है, और ये जो स्टैचू देख रहे हैं ये पूरा ही गोल्डन कलर से पेंट हुआ है और इसीलिए ये रात में ये बहुत ही चमकती है। तो दोस्तों अब रात हो चुकी है, अब मैं हूँ इन फ्रंट साइड ऑफ द बुद्ध स्टैचू, और आप लोग देख सकते हो इन फ्रंट साइड से बुद्ध स्टैचू का व्यूज़ कितना खूबसूरत और सुहाना लग रही है। तो दोस्तों एंड में मिलते हैं हमारा डिपार्टमेंट के आईजीओडी एन मैम के साथ, जिन्होंने लगभग आज 8 किलोमीटर पैदल सफ़र किया है, और आज बहुत खुश है सर मैम। इस पार्ट से देखिए बुद्धिस्ट स्टैचू की नज़ारा जो वाकई में कमाल की है। तो दोस्तों रात हो चुकी है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले और एक वीडियो में।